हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल की बहुत ही टेस्टी सब्जी, जिसको मैंने बहुत कम तेल में बनाया है। एकदम इसको छाना नहीं है, भाप पे पका के मैंने इसको बनाया है। आप भी इसे बना के ट्राई करें। तो चलिए हम बनाते हैं चना दाल की बहुत ही टेस्टी सब्जी। चना दाल की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है ये चना दाल। ये करीब करीब 2 कप चना दाल है। इसको मैंने रात भर भिगो दिया था, देख सकते हैं। और अब मैं इसको दरदरा सा पीस लूंगी। पानी का इस्तेमाल ना के बराबर ही करूंगी। अब मैंने ये कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। इस पे मैं डाल रही हूँ इसमें ये 1 कटोरी पानी। और पानी को मैं गर्म हो जाने देती हूँ। पानी गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये टमाटर। मैंने 4 टमाटर लिए हैं और इसको मैंने 2-2 टुकड़े में काट दिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ 2 प्याज, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा काटा है। ये 4 मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, और ये 5 हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है ये। इसके अलावा ये मैंने 8-10 कली लहसुन लिया है। 1 अदरक ली है मैंने, 1 इंच का टुकड़ा है। इसको मैंने इस तरह से पतला काट दिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दे रही हूँ धनिया, साबुत धनिया है ये। और इसको ढक के मैं थोड़ा सा उबल जाने देती हूँ। इसको उबलते हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। ये देखिए अच्छी तरह से उबल गया है। और अब मैं इसको गैस को ऑफ कर देती हूँ। जितनी भी सामग्री को मैंने उबाला था वो ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसको भी पीस लेती हूँ। चना दाल को मैंने पीस लिया है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, 5-6 चम्मच पानी ही मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये हल्दी पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ढेर सारी धनिया की कटी हुई पत्ती। सबको मैं चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने ये कढ़ाई गैस पे चढ़ाई है और इसमें मैंने डाला है करीब 1.5 ग्लास पानी। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब मैंने ली है ये एक छन्नी। इस छन्नी में मैं पहले थोड़ा तेल लगा दूंगी। और अब मैं इसके ऊपर ये जो चना दाल मैंने तैयार किया है, इसको मैं इस तरह से छोटी छोटी बड़ियों की साइज में डाल देती हूँ। मैंने ये चना दाल जो पीस के तैयार किया था, इसकी बड़ियाँ इसमें डाल दी हैं। और अब मैं इसको ढक देती हूँ और ढक के इसको भाप पे पकने देती हूँ। इसको पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा पलट देती हूँ 1-2 मिनट के लिए। इसी तरह से मैं सबको पलट लेती हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसको और पकने दे रही हूँ। अब ये पूरी तरह से बनके तैयार है, तो मैं इसको निकाल के और बाकी के बैचेस को भी इसी तरह से भाप पे पका लेती हूँ। मैंने भाप पे सारी बड़ियों को पका लिया है। और अब मैंने एक दूसरी कढ़ाई गैस पे चढ़ाई है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये सरसों का तेल। दो बड़े चम्मच तेल करीब मैंने डाला है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, साथ में तेज पत्ते और थोड़ी सी हींग मैं इसमें डालूंगी। मेरे पास बहुत कम हींग बची है।
एक चुटकी या दो चुटकी हींग इसमें डालनी है। जीरा चटक गया है तो ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा है इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, क्योंकि इस सब्जी में थोड़ी ग्रेवी रहेगी इसलिए उसी अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। मसाला हमारा भुन के तैयार है तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी। करीब करीब 1.5 गिलास पानी मैंने ये डाला है और अब मैं इसको बॉयल होने देती हूँ। ग्रेवी में उबाल आ गया है तो ये जो बढ़ियाँ हमने बना के रखी हैं भाप में पका के, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। सब्जी में अब उबाल आ गया है, अब ये बनके तैयार है। थोड़ी सी धनिया पत्ती में और ऊपर से इसमें डाल देती हूँ। चना दाल की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है, आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।